G20 समिट के दौरान भारत का दम पूरी दुनिया ने देखा। वैश्विक नेताओं ने भारत की दिल खोल कर तारीफ तो की थी, साथ ही ये भी साफ हो गया हमारे देश में वो काबिलियत है जो उसे विश्व गुरु का कद दे सकता है। वैसे तो पीएम मोदी की दोस्ती कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ है, चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हो, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमनी हो, या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हो। लेकिन जो केमिस्ट्री पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच देखने को मिली वो विरले ही मिलती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष यानी जो बाइडेन भारत मंडपम के इस गलियारे में भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में सलूट करते हैं, दोनों नेता हाथ मिलाते हैं, पीएम मोदी उन्हें बैकड्रॉप में मौजूद कोणार्क चक्र के बारे में बताते हैं। इससे पहले 8 सितंबर को जो बाइडेन भारत पहुंचने के बाद सीधे प्रधानमंत्री के आवास पहुंचे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भी कहां पीछे रहने वालों में से हैं। उन्होंने भी गर्मजोशी से अमेरिकी प्रेसिडेंट का स्वागत किया। बाइडेन जैसे ही गाड़ी से उतरे दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, चहलकदमी करते हुए आगे बढ़े तो बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखते हुए फिर दूसरा हाथ मिलाया। फिर शुरू हुई द्विपक्षीय बैठक। समिट के दूसरे दिन भी जब G20 में शामिल सभी वैश्विक नेता राजघाट पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने खादी की शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। इसमें भी जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री सबसे जुदा दिखाई दी। पीएम बाइडेन को साबरमती के बारे में जितनी तन्मयता से बता रहे थे उतनी ही रुचि से अमेरिका के प्रेसिडेंट उन्हें सुन रहे थे। यही नहीं, भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की डिनर पार्टी में दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना साफ दिखा। स्वागत के बाद जिस बेतकल्लुफी से जो बाइडेन पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखते हुए दिखे उससे साफ जाहिर था भारत का कद दुनिया में तो बढ़ ही रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की दोस्ती भी खूब परवान चढ़ रही है।